BN24 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम पहुंचे हैं असंद SDM ऑफिस में। क्यों पहुंचे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक जानकारी हम आपको दे दें कि जिस तरह से असंद नगर पालिका उम्मीदवार हैं, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, वो लगातार अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम जानेंगे असंद SDM मनदीप सिंह से कि आखिर प्रशासन ने अपनी किस प्रकार से तैयारियां कर रखी हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो कब तक अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, कब तक उठा सकते हैं और साथ में उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, यदि आपका एक डॉक्यूमेंट भी रह जाता है तो आपका जो चुनाव है वो कैंसिल हो सकता है। तो वीडियो पूरी देखें और चलिए बातचीत करते हैं असंद SDM मनदीप सिंह से, आखिर चुनाव को लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। मनदीप सर, चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है और सभी चाहते हैं कि नॉमिनेशन जल्द से जल्द हो। डेट, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, एंडिंग डेट क्या रहेगी, कब तक अगर कोई नॉमिनेशन अपना वापस ले सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि RO के द्वारा 24 तारीख को नोटिफिकेशन है, वो इलेक्शन का किया गया है। उस नोटिफिकेशन के बाद जो सबसे पहले शुरुआत होती है नॉमिनेशन की, नॉमिनेशन जो हमारे 30 तारीख से 4 तारीख तक रहेंगे, जिसमें 2 तारीख जो है एक हॉलीडे है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलीडे को हम नॉमिनेशन नहीं ले सकते। जो भी कैंडिडेट हैं जो अपना नॉमिनेशन देना चाहते हैं वो 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में अपना नॉमिनेशन दें, और इसके बाद जो स्क्रूटनी का टाइम रहेगा हमारा वो 6 तारीख को 11:30 बजे या मेरे ऑफिस में ही स्क्रूटनी का टाइम रहेगा। जो विड्रॉल है वो 11 और 3 के बीच में 7 तारीख को अपना विड्रॉल फॉर्म मेरे ऑफिस में जमा करवा सकते हैं 7 तारीख को। उसके बाद उसी दिन सेम डे 7 तारीख को जो सिंबल अलॉटमेंट है वो किया जाएगा। सिंबल अलॉटमेंट के बाद एक जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो फाइनल रहेंगे उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी, तो जो भी कैंडिडेट अपना नाम देखना चाहता है वो उसमें देख सकता है। उसके बाद जो हमारा इलेक्शन रहेगा वो 19 तारीख को इलेक्शन रहेगा, और यदि किसी प्रकार का रीपोल होता है तो 21 तारीख को रीपोल की डेट रहेगी। और जो टाइमिंग ऑफ पोल है वो हमारी 7 सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी, और जो लास्ट है जो काउंटिंग रहेगी वो 22 जून को सुबह 8 बजे वो काउंटिंग का टाइम रहेगा। सर, कहीं ना कहीं जो जितने भी उम्मीदवार हैं अगर कागज शायद उनके पूरे हो, लेकिन उनके ऊपर कोई केस वगैरह हो या ऐसा कुछ हो तो वो क्या चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे फॉर्म ए है जो नॉमिनेशन पेपर है, नॉमिनेशन पेपर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट इसमें चाहिएंगे, जैसे एफिडेविट है 1C और 1D जो कि अटेस्टेड एफिडेविट है, वो जो कैंडिडेट को फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म के साथ लगा के देना होगा। उसके साथ साथ यदि किसी पार्टी का कैंडिडेट है तो फॉर्म ए और फॉर्म बी में जो टिकट होती है वो फॉर्म ए और फॉर्म बी के रूप में पार्टी की टिकट है वो वहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म के लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के 3 बजे तक जो है उसको जमा करवानी होती है। उसके बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इसमें अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेंगे, जैसे कि यदि कोई प्रेसिडेंट है और यदि वो जनरल है तो 2 जनरल का है या अनरिजर्व का है तो 2000 रुपये, और प्रेसिडेंट यदि SC या वुमेन से हैं तो 1000 रुपये। तो हमारे यहाँ तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो प्रेसिडेंट के 1000 रुपये हैं और मेंबर के जो हैं वो 500 रुपये हैं SC और वुमेन के, और जो अनरिजर्व्ड जो कास्ट है उसके लिए जो मेंबर हैं और या वुमेन है तो उसके लिए 1000 रुपये जो हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो उनके द्वारा सबमिट करवाना पड़ेगा। जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल जो है उसके लिए 10th है, SC मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 8th है, और SC फीमेल कैंडिडेट 5th क्लास है, वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके साथ साथ नो ड्यूज़ हैं कुछ जो जमा करवाने पड़ेंगे, जैसे MC का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है, UHVNL का है, और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक का है, और कोऑपरेटिव जो बैंक है उनका है। तो ये 4-5 जो नो ड्यूज़ हैं वो भी सभी कैंडिडेट को जमा करवाने पड़ेंगे। 21 साल से ऊपर का कैंडिडेट होगा वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, और 2 फोटो जो हैं उनके फोटोग्राफ हैं वो हमारे उसके जो पासपोर्ट साइज़ और 2 टिकट साइज़ फ़ोटो और बैंक डिटेल, यदि बैंक कोई जो अकाउंट उनका है तो एक अपना नया अकाउंट खुलवा के अपना वो यहाँ बैंक डिटेल अपनी
जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी नॉमिनेशन पेपर है वो या तो खुद जमा करवा सकता है या उसका कोई प्रपोजर है, जो कैंडिडेट है उसका प्रपोजर अपना नॉमिनेशन पेपर वो आपकी जो 4 तारीख है उसके 3 बजे तक जमा करवा सकता है। 3 बजे तक उसकी एंट्री होगी, जो भी एंट्री 3 बजे तक जो नॉमिनेशन लेके आएगा सिर्फ वही मान्य होंगे। 3 बजे के बाद यदि कोई आता है तो वो नॉमिनेशन पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बजट का प्रावधान इसके अंदर? बजट जो लिमिट जो खर्चे की है जी, इसमें खर्चा भी है, खर्चा जो है वो कैंडिडेट को बता दिया जाएगा। अभी एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं है, 2.5 लाख के करीब प्रेजिडेंट उसका है। मैं अभी वो बाद में हम इंटीमेट जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म होगा तो हम उनको बताएं भी कि कितना बजट कर सकता है, और एक खर्चा रजिस्टर भी उनको हम देंगे जिसमें अपना कैंडिडेट अपना खर्चा बुक करेंगे, ताकि उससे एक्सीड यदि होगा तो उसको कमीशन है आगे डिसक्वालीफाइड करेगा। जैसे अभी भी कुछ लिस्ट आई है जिन्होंने अपना खर्चे की डिटेल नहीं दी, तो वो कमीशन ने ऐसे कैंडिडेट को अगली इस बार इलेक्शन लड़ने से डिसक्वालीफाई किया गया है। और जो एफिडेविट है उसमें कैंडिडेट को यदि किसी प्रकार की उसके ऊपर FIR या क्रिमिनल केसेज हैं तो उसकी डिटेल भी डिक्लेरेशन की फॉर्म में अटेस्टेशन करवा के वो देनी होगी। और जो फॉल्स यदि इन्फॉर्मेशन कोई देता है तो उसके खिलाफ़ जो संबंधित धाराएं हैं IPC की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और उसको पब्लिश भी करवानी होगी। 1C एक फॉर्म है जिसके अंदर उसको अखबार न्यूज़पेपर में 48 घंटे, इलेक्शन से 48 घंटे पहले न्यूज़पेपर में 3 बार पब्लिश भी करवानी होगी। देखिए 1200 तक के जो हमारे वोटर हैं वहाँ तक हमारे टोटल लगभग 27 के करीब हम बूथ बनाएंगे, हमारे 17 वार्डों के 27 के करीब टोटल बूथ बनेंगे, तो वो आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और इसकी जल्दी लिस्ट जैसे ही कमीशन से वेरीफाई होगी सभी के बीच में 7 तारीख को हम सर्कुलेट भी कर देंगे और उसका अच्छे से मुनादी करवा के और प्रचार प्रसार भी करेंगे और कैंडिडेट को भी उसकी एक एक लिस्ट हम देंगे। सर, जैसे कि चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए कोई नशीले पदार्थ बांटे जाते हैं, कोई पैसे देता है, तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सारी चीज़ें जो इस तरह की मेल प्रैक्टिसज हैं उनको बैन कर दिया गया है। जल्द ही हमारी जो पुलिस की टीम तो अभी भी एक्टिव है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगेंगे और वो उनको करप करेंगे, इस तरह की एक्टिविटी जो भी इन्वॉल्व होगा उनका खर्चा भी बुक किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी। सर, असंत की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी असंत की जनता से अपील है कि अपने राइट का उपयोग जो 19 तारीख को सारे की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें और अपना जो मत है अपने मतदान केंद्र पर जाके उस राइट का है वो इस्तेमाल करें, और यदि किसी प्रकार की जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है 30 अपना 4 तारीख तक अपना नॉमिनेशन भी अपना फाइल करें। सर, बूथ पर अक्सर देखा है कई बार मतभेद हो जाता है, हंगामा हो जाता है, उसके लिए कोई नंबर है प्रशासन का कॉल कर सकते जल्द से जल्द? उसके लिए हमारे जो ड्यूटी में स्टेट होंगे वो उनकी बूथ वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी, जो सुपरवाइजर का भी काम करेंगे और साथ में ड्यूटी में स्टेट का भी काम करेंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी और बिल्कुल प्रशासन का लक्ष्य है कि एक अच्छा पीसफुल जो इलेक्शन है वो करवाया जाए।